की चिल्लाने की आवाज सुनकर पीयूष हैरानी के साथ कहता है, ये तो मधु की चिल्लाने की आवाज थी ना। अनन्या अपनी जगह से उठते हुए बौखलाहट के साथ कहती है, हाँ यार उसी की आवाज है ये। मधु के चीखने की आवाज सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग भागते हुए किचन की तरफ जाने लगते हैं। जब सभी लोग किचन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मधु बहुत घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी। वो गैस से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। अनन्या जल्दी से मधु के पास जाती है और बौखलाहट के साथ उससे पूछती है, क्या हुआ मधु, तुम ठीक तो हो ना, तुम इतनी तेज क्यों चीखी? मधु इतनी डर गई थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मधु की ऐसी हालत देखकर वहां पर खड़े सभी लोग घबरा गए थे। तन्वी जल्दी से ग्लास में पानी निकालती है और मधु को देते हुए कहती है, रिलैक्स मधु, रिलैक्स, डरो मत, पानी पियो, ये लो। तन्वी के कहने पर भी मधु पानी नहीं पीती है। वो बहुत डरी हुई लग रही थी, उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अनन्या तन्वी के हाथ से पानी का ग्लास लेती है और मधु के पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे पानी पिलाने लग जाती है। मधु पानी पी लेती है और शांत हो जाती है। अब वो ज्यादा घबराई हुई नजर नहीं आ रही थी। अनन्या धीरे से मधु से पूछती है, मधु तुम ठीक तो? मधु धीरे से अनन्या की बात का जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मधु को ठीक देखकर अनन्या उससे फिर पूछती है, क्या हुआ मधु, तुम इतनी तेज चीखी क्यों थी? तन्वी मधु से कहती है, हाँ मधु बताओ, हम तो तुम्हारी चीखने की आवाज सुनकर घबरा ही गए थे। मधु घबराते हुए कहती है, मैंने। मधु अभी भी बहुत घबरा रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली थी जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, शायद भूत। समीर मधु की तरफ देखते हुए कहता है, वो क्या मधु, साफ साफ बताओ, जब तुम यहाँ पर आई थी तब क्या हुआ था, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अर्जुन समीर का साथ देते हुए कहता है, हाँ मधु बताओ और डरो मत, अब हम लोग तो है ना यहाँ पर, आ तो गए हम लोग, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मधु चाय के हत्थे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो जब मैं चाय छानने के लिए यहाँ पर आई तो। मधु बोलते बोलते फिर रुक जाती है। अनन्या मधु से फिर पूछती है, तो क्या मधु आगे बताओ, चाय छानने के लिए आई उसके बाद क्या हुआ? मधु अकलाते हुए कहती है, तो मैं जब मैंने चाय छानने के लिए चाय का कप उठाया तो मैंने देखा चाय के हत्थे में चाय नहीं थी बल्कि। मधु फिर बोलते बोलते रुक जाती है। पीयूष डरते हुए मधु से पूछता है, तू क्या मधु, चाय के हत्थे में क्या था जिसे देखकर तुम इतना डर गई हो, बताओ मधु जल्दी बताओ, चाय के हत्थे में क्या था? मधु पीयूष की बात का डरते हुए जवाब देती है, चाय के हत्थे में खून था, खून। अनन्या शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? सभी लोग मधु की बात सुनकर हैरान हो गए थे। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि चाय के हत्थे के अंदर खून कैसे हो सकता था। समीर धीरे धीरे अपने कदम गैस की तरफ बढ़ाने लग जाता है। पीयूष समीर को गैस की तरफ जाता हुआ देखकर धीरे से उसे रोकते हुए कहता है, क्या कर रहा है समीर, कहाँ जा रहा है, गैस के पास मत जा भाई, वो आ मत जा। समीर पीयूष की बात का कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ते हुए गैस के पास पहुंच जाता है। समीर धीरे से गैस के ऊपर रखा चाय का हत्था उठाता है और उसके अंदर देखने लग जाता है। पीयूष डरते हुए समीर से कहता है, क्या हुआ समीर, बता यार उसके अंदर क्या है, खून है क्या उसके अंदर जैसा मधु ने कहा था? समीर फिर से पीयूष की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो अभी भी चाय के हत्थे के अंदर गौर से देख रहा था। जब समीर पीयूष की बात का कोई जवाब नहीं देता तो फिर अनन्या समीर से पूछती है, यार खड़ा क्या है समीर, बताना चाय के हत्थे के अंदर क्या है? समीर हंसी के साथ कहता है, यार चाय के हत्थे में चाय है जिसका दूध फट गया है, हो सकता है ये फटा हुआ दूध मधु को खून की तरह दिखाओ। मधु समीर की बात को खारिज करते हुए कहती है, नहीं सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने चाय के हत्थे में खून ही देखा था, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। समीर चाय का हत्था सबको दिखाते हुए कहता है, अगर खून था तो फिर कहाँ चला गया, ये देखो, देखो मधु इसमें फटे हुए दूध की चाय है बस और कुछ भी नहीं, चाय में चाय पत्ती ज्यादा थी इसी वजह से चाय का रंग एकदम लाल दिखाई दे रहा है, हो सकता है वही लाल रंग तुम खून समझ बैठी हो। तन्वी हैरानी के साथ कहती है, पर दूध कैसे फट गया,
ये तो आज सुबह का ताजा दूध है। अर्जुन सबकी बातें शांति से सुन रहा था और हर एक बात को नोटिस कर रहा था, भूल कुछ नहीं रहा था। अनन्या तन्वी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तन्वी गर्मी ज्यादा है, हो सकता है उसी की वजह से फट गया हो। अब इतना मत सोचो तुम दूध के बारे में, शायद हमारे नसीब में तुम्हारे हाथ की चाय ही नहीं लिखी है। सभी लोग हॉल की तरफ वापस जाने लगते हैं और हॉल में आकर बैठ जाते हैं। मधु अभी भी उस हादसे को नहीं भुला पाई थी जो उसके साथ किचन में हुआ था। वो अभी भी बहुत घबराई हुई लग रही थी। पीयूष अर्जुन के मजे लेते हुए कहता है, यार अर्जुन कैसा राइटर है यार तू, यहाँ पर तेरी इतनी बड़ी फैन घबराई हुई है और तू उसे हौसला देने की जगह चुपचाप बैठा हुआ है। मुझे पता है तुझे चाय पीनी थी, अब चाय बनाते बनाते दूध फट गया तो क्या कर सकते हैं। अर्जुन पीयूष की बात का जवाब देते हुए हैरानी के साथ कहता है, दूध फटा नहीं था पीयूष, बल्कि एक संकेत था। पीयूष हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, संकेत था, कैसा संकेत? अर्जुन पीयूष को समझाते हुए कहता है, पीयूष इंसान का जब बुरा वक्त आने वाला होता है ना, तो एकदम से नहीं आता है, बुरा वक्त आने से पहले भगवान उसे कई संकेत देते हैं। पीयूष अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तो अच्छे से समझाएगा। सभी लोग अर्जुन की बात को गौर से सुनने लग जाते हैं। अर्जुन पीयूष को समझाते हुए कहता है, मतलब ये मेरे भाई, हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दूध का फटना बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है दूध फटने का मतलब ये है कि आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है या फिर आपके घर में कोई बीमार होने वाला है। पीयूष चौंकते हुए कहता है, क्या बात कर रहा है भाई? अर्जुन पीयूष से कहता है, सच में पीयूष, और सिर्फ यही नहीं, और भी कई संकेत देते हैं भगवान हमें, जैसे सुहागन के मंगलसूत्र का अचानक टूट जाना उसके पति की जान पर आने वाले संकट का संकेत है। खाना खाते वक्त पहला निवाला कड़वा लगना और दूसरा निवाला ठीक लगना इस बात का संकेत है कि आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ से बुरी खबर आ सकती है, और सिर्फ यही नहीं, आपका कोई बनता हुआ रिश्ता भी बिगड़ सकता है। पूजा करते वक्त आरती की थाली का गिर जाना इस बात का संकेत है कि आपसे या तो पूजा में कोई गलती हुई है या फिर देवता गण आपसे नाराज है। समीर मनी मन सोचता है कि अर्जुन जब देखो होशियार बनता रहता है, क्यों ना इससे कुछ ऐसा पूछूं जिसका जवाब इसको पता ना हो। और वो अर्जुन से पूछता है, चल अर्जुन ये सब तो ठीक है, तू मुझे ये बता कि बिल्ली का रास्ता काटना किस बात का संकेत है। अर्जुन समीर के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही अनन्या बीच में बोल पड़ती है और कहती है, हाँ अर्जुन मैंने भी सुना है जब बिल्ली रास्ता काटे तो रुक जाना चाहिए, किसी और के वो रास्ता पार करने का इंतजार करना चाहिए, वरना आपके साथ बहुत बुरा होता है और जो काम आप करने जा रहे हो उसमें कभी आपको कामयाबी हासिल नहीं होती। अर्जुन अनन्या को समझाते हुए कहता है, हर बार बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता है अनन्या। अनन्या शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या, हमें कैसे पता चलेगा कि कब बिल्ली का रास्ता काटना शुभ है और कब अशुभ? अर्जुन अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, अनन्या बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटती हुई दाईं ओर निकल जाती है, क्योंकि उस वक्त वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ देती है। पीयूष झट से अर्जुन से पूछता है, और यदि दाईं ओर से बाईं ओर निकले तब क्या होता है? अर्जुन पीयूष के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यदि बिल्ली दाईं ओर से बाईं ओर निकले तो शुभ होता है। मान्यता है कि कुत्ते की तरह बिल्ली की भी छठी इंद्री काफी विकसित होती है, इसलिए ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेती है। तंत्र शास्त्र में बिल्ली को महत्वपूर्ण जीव माना गया है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। अच्छा, अर्जुन और सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी दीवार पर लगी पेंडुलम घड़ी में 7 बज जाते हैं और 7 घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है। समीर घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, अरे देखो बातें करते करते कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। तन्वी समीर से कहती है, दोस्तों के साथ वक्त का पता चलता ही कहां समीर। समीर तन्वी की बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ ये बात तो है दोस्त। दोस्त होते ही ऐसे हैं जो आपका अच्छा और बुरा वक्त दोनों हंसी के साथ काट देते हैं। अर्जुन कहता है, अच्छा तन्वी अब हम चलते हैं। तन्वी हैरानी के साथ कहती है, कहाँ चलते हैं? अर्जुन तन्वी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, होटल और कहाँ? तन्वी अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहती है, क्या कहा होटल? पर तुम्हें होटल जाने की क्या जरूरत है, मेरा घर है और मेरा घर इतना बड़ा है कि तुम सब लोग यहाँ आराम से सो सकते हो, तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे?
समीर तन्वी को समझाते हुए कहता है, हाँ तन्वी हमें पता है, पर होटल का रेंट तो हम दे ही चुके हैं ना, तो फिर यहाँ पर रुकने का कोई फायदा ही नहीं है। और वैसे भी हम तुमसे मिलने आए थे ये देखने कि तुम कैसी हो, तुम्हें देख लिया और तुम्हें देखकर हमें बड़ी खुशी भी हो रही है। समीर की बात खत्म हो पाती उससे पहले ही अर्जुन बीच में बोल पड़ता है, हाँ तन्वी हम तुमसे ही मिलने आए थे, तुमसे मिल लिए दिल को तसल्ली मिल गई, अब हम लोग कल शाम को ही इटली से वापस इंडिया के लिए निकल जाएंगे। तन्वी उदास चेहरा बनाते हुए कहती है, क्या कहा कल ही निकल जाओगे इतनी जल्दी? पीयूष तन्वी को समझाते हुए कहता है, हाँ तन्वी हम सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर आए हैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, तो अब जब तुमसे मिल लिया है तो यहाँ पर रुककर क्या करेंगे। तन्वी पीयूष की बात समझ जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है अगर नहीं रुकना तो यहाँ पर मत रुको, पर प्लीज खाना तो खाकर जाओ, ऐसे थोड़ी जा सकते हो। अनन्या हंसते हुए कहती है, हाँ बाबा खा लेंगे, वरना हमें पता है तू जल्दी नाराज हो जाती है, हम खाना खाकर ही जाएंगे ठीक है। तन्वी खुश होते हुए कहती है, हाँ ठीक है ये हुई ना बात। रात के 10 बज गए थे और सभी लोग खाना खा चुके थे, सभी लोग तन्वी के घर से निकलने की तैयारी करने लग गए थे। मधु अब पहले की तरह नॉर्मल लग रही थी। पीयूष अनन्या के मजे लेने के लिए तन्वी से कहता है, वैसे कुछ भी बोलो तन्वी तुम खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, काश अपनी सहेली अनन्या को भी सिखा दिया होता, इसको तो कुछ आता ही नहीं है यार। अनन्या पीयूष से कहती है, ओ मोटे मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है समझा, मेरे घर पर खाना बनाने के लिए सर्वेंट है, तू देख अपने आप को और थोड़ा कम खा, खा खा कर कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया तू। पीयूष अनन्या के मजाक का कोई जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप खड़ा रहता है। समीर अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अच्छा तन्वी फिर हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। तन्वी समीर को रोकते हुए कहती है, अरे समीर इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। समीर तन्वी को समझाते हुए कहता है, रुकने के लिए तो हम रुक जाए तन्वी, पर इससे बच्चे की हेल्थ पर असर पड़ेगा, इस वक्त तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए समझी, अपना और मेरे भांजे का ख्याल रखो, समझ गई। तन्वी मनी मन हंसते हुए कहती है, हाँ समझ गई। सभी लोग जाने के लिए खड़े थे, तन्वी सभी को गुड बाय कहने के लिए अपनी जगह पर खड़ी होने लगती है, तभी अचानक से उसके हाथ की कलाई पर बना सौदे का निशान अचानक से जलन करने लग जाता है और वो दर्द महसूस करते हुए कहती है, आ मेरा हाथ। अनन्या घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ तन्वी तुम ठीक तो हो ना। तन्वी चीखते हुए कहती है, मेरा हाथ अनन्या मेरा हाथ बहुत तेज जलन कर रहा है। सभी लोग तन्वी के सौदे का निशान देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि तन्वी के हाथ के सौदे का निशान अभी तक गया नहीं है और ये अभी अचानक से जलन क्यों कर रहा है। टेबल पर ही पानी का ग्लास रखा हुआ था, मधु झट से वो ग्लास उठा लेती है और उसका सारा पानी तन्वी के हाथ के ऊपर डाल देती है। जैसे ही तन्वी के हाथ पर पानी गिरता है, पानी के भाप बनने की आवाज आती है, जैसे किसी ने गर्म लोहे पर ठंडा पानी डाल दिया हो। रुको यार, स्टोरी तो सुन लिया, सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।